जमात ए इस्लामी हिंद अमरावती महिला विभाग की जानिब से एक पत्रकार परिषद का आयोजन रविवार दिनांक 29 सितंबर को करते महिला विरोधी हिंसा, उत्पीड़न, यौन हमलों और हत्या के मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। प्रस्तुत है क्षण चित्र। ये कुछ मुख्तसर था जो तो मैंने आपके सामने परिचय रखा, और मैं विनती करती हूँ कि आप जो हमारे दरमियान सहाबी भाई बैठे हैं तो इसी मुहिम के दौरान जो है तो हमारे जो मेहमान हैं इनसे जो बात गुफ्तगु करेंगे। आपके इस अभियान में कौन कौन से स्टेक होंगे? ये आप बात कीजिए पहले, उसके बाद ये राष्ट्रव्यापी है। जैसे आपने देखा होगा ये राष्ट्रव्यापी अभियान है पूरे इंडिया में। ये अभियान पूरे एक महीने के लिए सितंबर 1 से 30 तक ये मनाया जा रहा है। नैतिकता ही स्वतंत्रता है, मोरालिटी फ्रीडम। जैसा कि अभी हमारी कन्वीनर ने यहाँ बात रखी है कि आज हमने स्वतंत्रता के जो माने लिए हैं कि बगैर किसी यानी बेलगाम आज़ादी जिसे हम कहेंगे, तो ये बेलगाम आज़ादी की वजह से हम दूसरों के अधिकार और दूसरों के जो नैतिक मूल्य है उसका हम पतन करते हैं। जबकि अगर हम देखें तो हमारा जो संविधान है वो भी हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच की हमें वो इजाज़त देता है। मेरा नाम अतिया सिद्दीक़ा है, मैं जमात इस्लामी हिंद से ताल्लुक़ रखती हूँ महिला विभाग की, और यहाँ पर ये नैतिकता स्वतंत्रता का आधार है इस सिलसिले में यहाँ मुहिम मनाई जा रही है पूरे राष्ट्रव्यापी। ये पूरे एक माह की मुहिम है जो सितंबर से स्टार्ट हुई है, और इस मुहिम के ज़रिए से हम चाहते हैं कि हमारे समाज में जो अनैतिकता फैली हुई है और जिसकी वजह से आपस में लोग एक दूसरे के राइट्स को, एक दूसरे के जो नैतिक मूल्य हैं उसको जो लोग ख़त्म कर रहे हैं, तो आपस में वो एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, एक दूसरे के अधिकारों का भी ख्याल रखते हुए अपनी ज़िंदगियों को बेहतर गुजारें और साथ में दूसरों के भी अधिकार पूरी तरह से देने की कोशिश करें। और हमारे समाज में जो ये अनैतिकता फैलती जा रही है जिसकी वजह से हमारी नौजवान पीढ़ी में नशा और इस तरह से यानी गैर संबंध और यौन संबंध, सामूहिक बलात्कार जो हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है जिससे हमारा समाज एक जानवरों से बदतर समाज बनता जा रहा है, तो इस समाज में हम नैतिक मूल्यों को किस तरह से हम फिर से जारी करें और इस समाज को एक अच्छा समाज, एक ऐसा समाज जिस पे हम चाहते हैं कि हमारा जो भारत देश उसकी जो संस्कृति थी वो संस्कृति के तहत हमारे इस समाज में तमाम लोग अपनी ज़िंदगियों को एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सके, वहाँ पर सब अपने अपने अधिकारों का अच्छे से इस्तेमाल करते हुए अपने इस समाज को बेहतर बनाने के लिए सब मिलकर आगे बढ़ें। हम ये चाहते हैं कि जमात इस्लामी हिंद की जानिब से महिला विभाग ये चाहता है कि हमारे समाज में सब एक अमन, शांति और सद्भाव का माहौल पैदा हो और सब आपस में तरक्की कर सकें मिलजुल कर। समाचार संकलन अशोक भाई जोशी।